अगर हम यूपीटीटी सीटीटी की सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे आश्रय नाम का एक अध्याय है, मतलब उस अध्याय को अगर देखेंगे तो अध्याय जो है आपका वो आश्रय के नाम से है। किस नाम से आपका अध्याय? आश्रय, आश्रय के नाम से वो अध्याय है और उसी अध्याय को हम लोग आज पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। पूरा पढ़ने का इस अध्याय को हमें पूरी तरह से तैयार करना है। ये अगर आश्रय किसे कहते हैं, छोटा सा सवाल हमारे मन में भी जाता है कि आश्रय किसे कहते हैं, मतलब वह स्थान। आश्रय का मतलब क्या होता है? एक स्थान जहाँ पे जीव जंतु या मानव क्या करते हैं, निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम आश्रय कहते हैं। अलग अलग जीवों, जैसे जीव की अगर बात करें, जैसे अगर हम कुत्ता बिल्ली किसी की बात करें, मछली की बात करें, पक्षियों की बात करें, तो अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। कुछ अपना आश्रय बनाते हैं, जैसे अगर हम पेड़ की बात देखें तो पेड़ पर क्या होते हैं, पक्षियाँ अपना आश्रय बना लेती हैं, ठीक, और घोंसले बना के रहते हैं। बंदर क्या करता है, पेड़ के डालों पर रहता है, मकानों पर रहता है, आदि घूमता टहलता रहता है। मतलब हमने ये देखा कि सभी जानवरों के पास अपना आश्रय होता है, कुछ बनाते हैं, कुछ का बना बनाया होता है। चिड़िया क्या करती है, वो अपना आश्रय स्वयं बनाती है, इसे हम घोंसला कहते हैं। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य का भी अपना एक आश्रय है। मनुष्य कहाँ रहता है, मनुष्य अपने घरों में रहता है, कहीं ना कहीं मनुष्य का भी अपना एक आश्रय है, ठीक। हमने देखा मनुष्य का भी एक आश्रय है। तो अगर देखा जाए तो कुछ मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, कुछ जीव पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ उसके नीचे रहते हैं। और अगर हम देखा जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी समस्त जीवधारी हैं, उनका या तो स्वयं का आश्रय है, या वो तो निर्माण करते हैं, या वो दूसरों के आश्रय पर रहते हैं, या तो जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं, जल में रहते हैं, वायु उड़ते रहते हैं। माने सभी जीवों का कहीं न कहीं एक आश्रय है, उसी आश्रय के अध्याय के रूप में हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर हम जानवरों की आश्रय की बात करें, अगर हम इसी आश्रय में जानवरों के आश्रय की बात करें, तो वहाँ पर आता है मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव। एक प्रश्न आपका आता है, आप हेडिंग बना के लिख भी सकते हैं कि क्या लिखेंगे, कि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव। अगर हम देखें आश्रय में, मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव, रहने वाले जीव, तो ऐसा हेडिंग बजेगा, शब्दों को सुनते रहिएगा, मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव। अगर मनुष्य के घरों में रहने वाले जीवों की हम बात करें, तो वहाँ पे जैसे कुत्ता बिल्ली छिपकली मच्छर मकड़ी चूहा चींटी, मतलब आदि जीव, सभी जीव जंतु जो मनुष्य घरों में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये उनका आश्रय है। फिर जंगल में रहने वाले जीव, जो जंगल में रहते हैं, अगर देखा जाए तो जंगल में भी रहते हैं, जंगल में रहने वाले जीव जंगल में निवास करते हैं। अगर इनमें देखा जाए, इनमें शेर चिंपैंजी गेंडा बाघ मोर हिरण सभी क्या है, कहाँ रहते हैं, सब जंगलों में रहने वाले जीव। अब अगर देखा जाए जमीन पर रहने वाले, देखिए जो मानव के घर में भी रहते हैं वो जमीन पर भी रह सकते हैं, जैसे कुत्ता हुआ, घोड़ा हुआ, गधा हुआ, भैंस गाय बिल्ली, ये सब कहाँ है, इस सरफेस पर रहते हैं, जमीन पर रहने वाले जीवधारी। अगर पेड़ पर रहने वाले देखें, जिसमें बंदर पेड़ पर रहते हैं, पशु पक्षी लंगूर स्लॉथ सभी कहाँ है, ये सब कहाँ रहते हैं, ये सब पेड़ों पर रहते हैं, ठीक। पानी में अगर रहने वाले जीव को देखा जाए तो वेल बत्तख सांप मेंढक मगरमच्छ कछुआ मछली, माने ये सभी जीव जीवधारी हैं, ये सभी कहाँ रहते हैं, ये जल में रहते हैं। मतलब हम लोगों को जो एक टॉपिक पढ़ना था उसका नाम था आश्रय। हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, उन सभी जीवों का क्या होता है, अपना एक आश्रय होता है, और कुछ लोग अपना आश्रय बनाते हैं और कुछ लोग का प्रकृति में ऑलरेडी उपलब्ध रहता है, ठीक। इसी क्रम में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। यदि जमीन के अंदर भी रहने वाले जीव को देखा जाए, जमीन के अंदर रहते हैं, हाँ, तो वहाँ पे भी मिल जाते हैं केंचुआ बिच्छी चींटी सांप चूहा, मतलब ये सभी ऐसे जानवर हैं, ऐसे जीव जंतु हैं जिनका आश्रय जमीन के गहराइयों में या जमीन के अंदर है। समूह भी रहते हैं, अगर समूह में रहने वाले जीव को देखा जाए, उसमें आपकी मधुमक्खी देखा जाए तो मधुमक्खी चींटी मधुमक्खी चींटी मधुमक्खी चींटी ततैया दीमक दीमक ये सभी क्या है, ये सभी समूह में रहने वाले जीव। अच्छा, एक प्रश्न से पूछ सकते हैं हम कि उभयचर जीव किसे कहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे कि उभयचर जीव किसे कहते हैं, मैंने ऐसे जीवधारी
जो जल में भी रहते हों और प्लस स्थल पर भी रहते हैं, ऐसे जीवधारियों क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण। जैसे एक तरफ अगर हम यहाँ पे अगर एक लाइन खींच दिया जाए, यहाँ पे लाइन सेगमेंट खींच दिया जाए या दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, तो इस दो भागों में दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे एक तरफ अगर हम इधर जीव बनाते, एक तरफ इधर आश्रय, यहाँ पे जीव, यहाँ पे आश्रय, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम लोग जीव, यहाँ पे उनके आश्रय, जीव और आश्रय। अगर हम जीव में देखना चाहें तो शेर, शेर कहाँ रहता है? शेर कहाँ रहता है? माद में रहता है, शेर माद में रहता है। फिर कुत्ता कुक्कुरशाला केनल में, तो कुत्ता देखा जाए, कुत्ता कहाँ रहता है? कुक्कुरशाला में, कुक्कुरशाला में, ये कुक्कुरशाला में रहता है। भेड़ बाड़ा में, भेड़ कहाँ रहती है? बाड़ा में रहती है। जबरा कहाँ रहता है? जंगल में। इसका निवास स्थान कहाँ है? जंगल है। अब सांप बिल में, चींटी बिल में, ठीक। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ता में। आप जानते हैं मधुमक्खी, मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ता में। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ता में रहती है। फिर सुअर कहाँ रहता है? शुकरशाला में। सुअर अगर देखा जाए, सुअर तो शुकरशाला में रहता है। कहाँ रहता है? शुकरशाला, शुकरशाला में रहता है। सुअर कहाँ रहता है? शुकरशाला में रहता है। फिर अब आगे हम लोग देखते हैं, अगर मुर्गा देखा जाए तो मुर्गा बाड़ा में रहता है। मुर्गा, भेड़, ये सब बाड़ा में रहते हैं, ठीक। और गधा देखा जाए तो गधा कहाँ रहता है? गधा और घोड़ा अस्तबल में रहता है। गधा और घोड़ा, अगर गधा की बात करें और घोड़े की बात करें, घोड़े की, ये दोनों अस्तबल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये सब अस्तबल में रहते हैं। तो ये छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि मुर्गा कहाँ रहता है। अगर ये प्रश्न कोई पूछ लिया जाए कि मुर्गा कहाँ रहता है, तो हम इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुर्गा कहाँ रहता है। बैल गाय कहाँ रहता है, ये जानते हैं, उसे साहिबान कहते हैं। इसे अगर बैल देखा जाए, बैल गाय, उसे साहिबान कहते हैं। क्या कहते हैं? साहिबान, साहिबान, साहिबान कहते हैं। इसे गौशाला भी कहते हैं, गौशाला में रहता है। मुर्गा कहाँ रहता है, आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे। इस प्रकार हमने देख लिया कि जीव कहाँ रहते हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसले में रहते हैं। गधा घोड़ा अस्तबल में, बकरी जो होती है वो कहाँ होती है? वो बाड़े में रहती है। मधुमक्खी छत्ते में, सांप बिल में, मकड़ी जाले में रहती है। सारे प्रश्नों आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे पक्षियों के घोंसले। हम लोग को जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, पक्षियों के घोंसले। ये भी आप जानते हैं पक्षी घोंसले के बारे में। पंछियों के घोंसले, अब पक्षी घोंसले के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें स्पष्ट कर देना भी जरूरी है ताकि आप लोग भी इस बात को भली भांति जानते रहें, परिचित भी रहें। देखिए, पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। जैसा कि आपको ही पता होगा कि जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला क्या होता है? स्वयं बनाते हैं। पक्षी अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। आपको ये भी पता होगा कि सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं, सबके अलग अलग होते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सभी पक्षी सिर्फ अंडा देने के लिए अपना घोंसला बनाए, उसमें कभी रहने के लिए भी अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। इसलिए रहने के लिए भी करते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो पक्षी क्या करते हैं? अपना घोंसला छोड़ देते हैं। अगर हम घोंसले की बात करें तो जो पक्षियों के घोंसले होते हैं वे जो रहने के लिए नहीं बनाते, वो अंडे देने के लिए बनाते हैं। और जब उसमें अंडे देने के बाद जिसमें से बच्चे हो जाते हैं तो प्रायः अपने घोंसले छोड़ देते हैं।
तब वो कहाँ रहते हैं, वो पेड़ की शाखाओं पे रहना पसंद करते हैं। अब ऐसे देखा जाए किलचिड़ी अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। कलचिड़ी, ये आप लोग जानते रहिएगा कलचिड़ी के बारे में। कलचिड़ी, ये सीटेट का पूछा क्वेश्चन है। कलचिड़ी, एक सेकंड रुकिए साहब, थोड़ी सी क्या है अभी राइट ग्राफिक पैड पे अभी आदत नहीं बनी है। क्या नाम उसका, कलचिड़ी, कलचिड़ी, ये कलचिड़ी एक पक्षी है। ये क्या करती है, ये अपना घोंसला कैसे बनाती है, ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। किसके बीच बनाती है, कलचिड़ी अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। अब अगर हम देखेंगे जुलाही चिड़िया, आपने नाम सुना होगा जुलाही चिड़िया, ये जुलाही चिड़िया है। ये क्या करता है, इसे वीवर बर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका एक नाम होगा वीवर बर्ड, इसे वीवर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका घोंसला लांटेन, इसका घोंसला जो होता है किसकी तरह होता है, लांटेन की तरह होता है। ठीक, इसका घोंसला कैसा होता है, लांटेन की तरह होता है। लांटेन जानते हैं ना, इसका उपयोग पहले हम लोग क्या करते थे, प्रकाश के लिए किया जाता था। जो क्या होता है, ये पेड़ के टहनी है जिसमें क्या होता है, लांटेन की भांति इसके घोंसले क्या होते हैं, लटके होते हैं। जुलाही चिड़िया या वीवर के घोंसले। अच्छा, एक बात आप जानते रहिएगा, कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। जो कौवा होता है, कौवा, यह पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली होती है उस पर अपना घोंसला बनाता है, जबकि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, यह क्या करती है, कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कोयल क्या करती है, कौवे के घोंसले में, कोयल कौवे घोंसले में अंडे देती है, और जब उससे बच्चे निकल जाते हैं तो बाद में उड़कर अपना अलग से रहने लगता है। मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोद कर घोंसला बनाती है, अंडे देती है। अगर हम शुतुरमुर्ग की बात करें, अगर हम यहाँ पे शुतुरमुर्ग की बात करें, शुतुरमुर्ग तो मादा शुतुरमुर्ग होगा, मादा शुतुरमुर्ग, मादा शुतुरमुर्ग क्या करती है, जमीन को पहले थोड़ा सा खोद देती है, उसके बाद अपना घोंसला बनाती है, फिर अंडे देती है। मोरनी, मोरनी आप लोग मोर जानते होंगे, मोरनी जो है ये क्या करती है, ये अपना घोंसला झाड़ियों बनाती है या पेड़ के नीचे की डालियों पर बनाती है। ठीक, उल्लू पेड़ किसी खोखले भाग पर अपना घोंसला बनाते हैं। जो उल्लू होते हैं वह क्या करते हैं, वह पेड़ की खोखले जो डाल होती है, जो खोखला स्थान होता है वहां पर अपना घोंसला बनाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। चील के बारे में बात आप जानते रहिएगा, चील जो है पेड़ के सबसे, चील के बारे में आप लोग जानते रहिएगा, चील ये सबसे ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाती है। इसका घोंसला जो होता है वो 4 से 5 फीट का होता है। इसका घोंसला क्या होता है, 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। और जो चील होती है ये अपने घोंसले साल दर साल बनाते हैं, मतलब ये कई सालों तक ये इसका प्रयोग करती रहती है। मतलब ये नहीं कि बच्चे बड़े हो गए फिर घोंसले छोड़ दो, ये लगातार कई वर्षों तक उस घोंसले का लगातार प्रयोग करते रहती है। जबकि गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों पर, चील के छोड़े हुए घोंसलों से, चट्टान की दरारों में, सुनसान जगहों पर आधी जगह बनाता है। अगर हम गिद्ध की बात करें तो गिद्ध भी बनाता है, लेकिन ये सूखे पेड़ पर बनाता है, ऊंचे हुए पेड़ पर बनाता है, सूखे जगह बनाता है, पत्थरों के पास बनाता है, वीरान जगह बनाता है, माने जहाँ पे कोई ना रहे वहाँ पे गिद्ध क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। जबकि चील क्या करता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कबूतर और गौरैया। अगर कबूतर की बात करें हम लोग और गौरैया, इनका आश्रय कहाँ है, ये सभी कहाँ रहती हैं, मकानों में रहती हैं। इसके मनुष्यों के द्वारा बनाए गए मकानों में कबूतर और गौरैया रहती हैं। एक दर्जन चिड़िया होती है, शायद आपने नाम सुना होगा, सीटेट में पूछा क्वेश्चन है।
दर्जिन चिड़िया, दर्जिन चिड़िया ये क्या करती है, ये पेड़ के दो पत्ते जो होते हैं ये दो पत्तों को आपस में मिलाकर सिलकर बनाती है अपना घोंसला, इसलिए इसे दर्जिन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा एक आपने सुना होगा कठफोड़वा, 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 तो कठफोड़वा और बसंत गौरी, बसंत गौरी, कठफोड़वा और बसंत गौरी ये ऐसे हैं कि जो अपना घोंसला क्या करते हैं पेड़ के तनों में उसे छेद कर अपना घोंसला बनाते हैं। प्रकार हमने ये देखा कि पक्षियों के आश्रय कैसे होते हैं और बाद में से प्रश्नावली जुड़े हुए सॉल्व भी करेंगे, अभी आगे पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं भाग्यगा नहीं ठीक। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करनी हो तो हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास सीटेट की प्रॉपर रूप से शुरू हो गई है, उसके लिए आप लोग 6306344367 पर कॉल करके जानकारी ले सकते था 7355179012 पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इस समय हमारी तीन ब्रांचेज चल रही हैं, जौनपुर मेन ब्रांच, वाराणसी और तीसरा जौनपुर के शिकरारा में चल रही है। यहाँ से आपको सभी जानकारी, वाराणसी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या यहाँ किसी भी जनपद आसपास जुड़े हुए हैं तो वाराणसी में पांडेपुर के पास सुधाकर मेला पीजी कॉलेज के बगल में गली में, इलाहाबाद बैंक के जस्ट बगल में आपको हमारी संस्था मिल जाएगी लेने के तरीके से, जहाँ मैं स्वयं भी रहकर पढ़ाता हूँ ठीक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं मनुष्य का आश्रय। अब इस वीडियो को देख लीजिएगा, सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घर मनुष्य का आश्रय, इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। इसमें हम लोगों ने आज आश्रय को पढ़ा और यह आश्रय आपके परीक्षा दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सी टी टी के साथ साथ यू पी टी टी के सिलेबस में जुड़ गया है और डी एस एस बी के सिलेबस में है। तो यू पी टी टी और सी टी टी दोनों के लिए है कि दोनों के सिलेबस में इसको इंक्लूड करके रखा गया है। तो हमने आपको आश्रय पढ़ा दिया, जहाँ पे हमने पक्षियों का आश्रय, पशु जानवरों का आश्रय देख लिया। आश्रय का मेन मतलब यह था कि किसी भी व्यक्ति जानवर के रहने के स्थान, तो अभी जो हमने स्थान की बात की ये मूल स्थान था, जैसे जो पशु पक्षी मूल स्थान पर रहते हैं, शेर कहाँ जंगल में रहता है, लेकिन वर्तमान मानवीय हस्तक्षेप की वजह से इस समय उनके आवास पर उनके आश्रय पर भी एक संकट सा खड़ा हुआ है, वो तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था आश्रय खत्म हुआ, जिसमें हमने पशुओं का आश्रय, पक्षियों का आश्रय, जानवरों के आश्रय के बारे में चर्चा किया। इसी तरह से आपको कम से वीडियो लेते रहेंगे और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दिएगा, क्योंकि आपके ये EBS का ये पहला टॉपिक का वीडियो था। इसके बाद हम लोग सेकेंड थर्ड फोर्थ एक एक करते क्रम में हम वीडियोज़ को पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जो पढ़ेंगे मनुष्य का आश्रय, मानव का आश्रय, जहाँ से CTET में हर बार एक से दो प्रश्न पूछा जाता है, 2019 में भी था, 18 में भी था, ये लगभग हर साल पूछे जाते हैं। इस वीडियो लिंक को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, नोट्स उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लास नोट्स ज्वाइन करने के लिए आपका मोस्ट